जियो टीवी के ऐसे 5 ड्रामे जिन्हें देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा और आपका बार बार देखने का दिल करेगा। तो ऐसे ही टॉप 5 पाकिस्तानी रोमांटिक ड्रामास के बारे में बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नंबर 5 ड्रामा सीरियल कहीं दीप जले। जियो टीवी पर चलने वाला वन ऑफ हाईएस्ट रेटिंग पाकिस्तानी ड्रामा है जिसने अपने वक्त में कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम किए। ड्रामा सीरियल कहीं दीप जले में इमरान अशरफ और नीलम मुनीर ने मकसी किरदार निभाए और इन दोनों ही की अदाकारी को काफी ज्यादा पसंद किया गया, जबकि दिगर कास्ट में अली अब्बास, नाजिर जहांगीर, अहमद फारूकी, सबा फैसल और अली अंसारी शामिल थे। ड्रामे की कहानी एक नौजवान शादी शुदा जोड़े के गिर्द घूमती है जो हसद की वजह से अपने ही की साजिशों का शिकार हो जाते हैं। ड्रामा सीरियल कहीं दीप जले को कैसरा हयात ने लिखा और साइमा वसीम ने डायरेक्ट किया। 34 एपिसोड पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल कहीं दीप जले 2019 में जियो टीवी पर ऑनियर हुआ। नंबर 4 ड्रामा सीरियल दिल क्या करे। एक बेहतरीन स्टोरी पर मुंबनी ड्रामा सीरियल ये दिल क्या करे एक रोमांटिक और लव ट्राइंग ड्रामा है जिसे बहुत ज्यादा पसंद किया गया और ड्रामे की कहानी ने देखने वालों के दिल छू लिए क्योंकि ड्रामे में मोहब्बत, प्यार में कुर्बानी और इमोशन देखने को मिलते हैं। ड्रामा सीरियल दिल क्या करे की लीड कास्ट में फिरोज खान, यमुना सैती और मिर्जा जैन बेग जैसे बड़े बड़े अदाकार शामिल थे, जबकि बाकी लीड कास्ट में मरियम नफीस, मरीना खान, शमीम हलाले, लुबना असलम, समन अंसारी और मिजना वकास ने काम किया। इस ड्रामे को आसमा नबीन ने लिखा और महरीन जब्बार ने डायरेक्ट किया। 30 एपिसोड पर मुश्तमिल ड्रामा सीरियल ये दिल क्या करे 2019 पे जियो टीवी पर ऑनियर हुआ। नंबर 3 ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीन। नाजरीन शुमाली इलाका जात पर रहने वाले लोगों के हालात वाकयात पर बनने वाला ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीन एक मास्टरपीस पाकिस्तानी ड्रामा है जिसकी कहानी एक पठानी लड़की के गिर्द घूमती है जो डॉक्टर बनने के बाद अपने ही इलाके में हॉस्पिटल बनाने के साथ साथ भलाई काम करना चाहती है, लेकिन ये सब करने के लिए इसे काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ड्रामा सीरियल मेरे हम नशीन की लीड कास्ट में हिबा बुहारी, एहसन खान, सैयद जबरान, शहजाद शेख और मोमना इकबाल शामिल थे। इस ड्रामे की बेहतरीन स्टोरी की वजह से पाकिस्तान समेत कई ममालिक में बड़े शौक से देखा गया। अली फैजान की डायरेक्शन में बनने वाला ड्रामा सीरियल मेरे हम नशीन 2022 में जियो टीवी पर ऑनियर हुआ और इस ड्रामे की नंबर ऑफ एपिसोड 43 थी। नंबर 2 ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत। एक ऐसा पाकिस्तानी ड्रामा जिसे देखने के बाद आप दोबारा देखना चाहेंगे क्योंकि न सिर्फ ड्रामे की स्टोरी कमाल की थी बल्कि अदाकारी भी काबिल तारीफ थी। ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत की कहानी एक ऐसी नौजवान लड़की के गिर्द घूमती है जिसकी जिंदगी अपने बाप के बनाए हुए असूलों की पाबंद होती है, लेकिन फिर एक ऐसी दोस्त इसकी जिंदगी में आती है जिससे इसकी जिंदगी अचानक से बदल जाती है। ड्रामे में शहजाद शेख, यमुना सैती, कोमल मीर और मिर्जा गौहर रशीद ने काम किया। ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत को सिराजुल हक ने डायरेक्ट किया और इसकी 34 एपिसोड और यह ड्रामा 2020 में जियो टीवी पर ऑनियर हुआ। नंबर 1 ड्रामा सीरियल तेरे बिन 2023 का सबसे बड़ा ड्रामा जिसने पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और दुनिया के हर हिस्से में शोहरत हासिल की जहाँ उर्दू हिंदी बोली समझी जाती है। ड्रामा सीरियल तेरे बिन अभी तक का यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला पाकिस्तानी ड्रामा है जिसने 3 बिलियन प्लस व्यूज हासिल करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया। ड्रामा सीरियल में वहाज अली और यमुना सैदी ने मरकजी किरदार निभाए और इन दोनों की ही की अदाकारी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया और ये दोनों ही पाकिस्तान समेत इंडिया में भी टॉप ट्रेंड बने रहे। ड्रामा सीरियल तेरे बिन एक मास्टरपीस पाकिस्तानी ड्रामा है, इसे जरूर देखना चाहिए। तो नाजरीन, ये हैं वो 5 सुपरहिट रोमांटिक पाकिस्तानी ड्रामे जो जियो टीवी पर ऑनियर हुए और इन ड्रामों को देखने के बाद आपका दोबारा से देखने का दिल करेगा। तो इन ड्रामों में से आपका कौन सा पसंदीदा ड्रामा है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। शुक्रिया।